हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है हाउ टू डू बेसिक मेकअप का सेकंड एपिसोड, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आप आईलाइनर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक परफेक्ट आईलाइनर, चाहे वो बिंग आईलाइनर हो या फिर नॉर्मल आईलाइनर हो। सो अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड मिस कर दिया हो तो लिंक आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने शेयर किया था कि आप ब्यूटी ब्लेंडर को किस तरह से यूज़ करते हैं एंड किस तरह से आप अपने मेकअप बेस को फ्लॉलेस दिखा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक जो है, आप आईलाइनर कैसे अप्लाई करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए आए तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को ज़रूर हिट करें जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, माय हैंडल इज स्वाति मिश्रा प्रो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द वीडियो। सो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईलाइनर कितने टाइप के होते हैं। तो आईलाइनर जो वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है लिक्विड आईलाइनर, जो कि मोस्टली हर कोई यूज़ करता है, और दूसरा है हमारा जेल आईलाइनर, एंड तीसरा जो है वो स्केच आईलाइनर है। तो जो भी आपके पसंद का आईलाइनर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ज़्यादातर लोग लिक्विड आईलाइनर यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी जो फिनिश होती है वो काफ़ी अच्छी आती है। बट जेल बेस्ड आईलाइनर भी काफ़ी अच्छा होता है, मैं आप लोगों को इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये जो है मैट लुक का जेल काजल है और 2-in-1 है, इसमें आपको काजल एंड आईलाइनर दोनों मिल जाता है, कुछ इस तरह से है। ऊपर यहाँ पे आपको काजल मिलेगा एंड नीचे यहाँ पे आपका आईलाइनर रहेगा, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा ब्रश भी इसके साथ मिल जाता है। आप ध्यान रहे, जब भी आप जेल आईलाइनर यूज़ करें हमेशा आपको एक एंगल ब्रश से ही आईलाइनर अप्लाई करना है, और ध्यान रहे बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रहे और बहुत ज़्यादा पतला भी ना रहे, जिससे आप अप्लाई करें ना तो इस तरह से बिंग जो है वो बन जाए। मोस्टली सब बिंग ही अप्लाई करते हैं, बिंग आईलाइनर ही, तो इसलिए मैं आपको बिंग आईलाइनर बता रही हूँ, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है, लोग कहते हैं कि ब्रश से काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है, बहुत इजी पड़ता है, बट मुझे लगता है हर कोई लिक्विड आईलाइनर ही अप्लाई करना चाहता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को लिक्विड आईलाइनर को भी काफ़ी इजी वे में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए फिर जेल आईलाइनर को हम रखते हैं और आते हैं अपने लिक्विड आईलाइनर पे। सो ये है NYB का लिक्विड आईलाइनर और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, आई गेस ये 70 रुपीज़ या फिर 80 रुपीज़ में आपको मिल जाता है, और हमेशा सेल में रहता है तो बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाता है और बहुत अच्छी फिनिश भी देता है। अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा शेक होता है और बिंग जो है एक साइज़ का नहीं बनता, तो आप इस तरह से टेप लीजिए और उसको आप अपने आईज़ के जो है आउटर कॉर्नर पे आपको अप्लाई कर लेना है टेप को, कुछ इस तरह से। मैं आप लोगों को थोड़ा पहले नज़दीक ले आती हूँ। सो यहाँ कुछ इस तरह से आप करेंगे एंड उसके बाद आपको टेप को ऐसे अप्लाई करना है। सो आप देख सकते हैं टेप अप्लाई हो चुका है और अब हम बिंग बनाएंगे। इस तरह से काफ़ी इजी हो जाता है बिंग बनाना एंड परफेक्ट लग भी जाता है, और थोड़ा सा को थोड़ा एफोर्ड करना पड़ता है बस, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। सबसे पहले आपको इस तरह से इसको एक्सेस को रिमूव कर देना है अपने बॉटल में ही, और उसके बाद अप्लाई करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा तो फैलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा प्रोडक्ट ही लें और छोटे छोटे स्ट्रोक में ही अप्लाई करें। तो इस तरह से आपको इसको सबसे पहले आपको आउटर एरिया से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, सबसे पहले इस एरिया से आपको स्टार्ट करना है। लाइन बन गई और अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। आपको इस तरह से इसको लाके कनेक्ट कर देना है एंड ये थोड़ा सा आपको फैला हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी जब हम टेप को रिमूव करेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ तक आईलाइनर ले आना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से काफ़ी थिक आईलाइनर मैंने अप्लाई किया है, आप चाहें तो छोटा बिंग ही अप्लाई करें इस तरह से, एंड उसके बाद मैं आपको टेप को रिमूव करके दिखाती हूँ।
ये आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट आईलाइनर जो है अप्लाई हुआ है। चाहे आप इससे छोटा आईलाइनर लगाना चाहें तो आप कर सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग आईलाइनर लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एंड गाइज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारा जो है बिंग बन चुका है। एंड अगर आप चाहें तो बिंग नहीं बनाना है आपको तो आप यहाँ तक भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि आपको ना बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने ऐसे लाइन ड्रॉ की, इस तरह से नहीं करना है। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ही थोड़ा करके करना पड़ेगा, एक साथ नहीं हो पाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से टेप कौन हमेशा अप्लाई करेगा, तो आपको हमेशा नहीं करना। आप कभी कभी इसको इस तरह से अप्लाई करते रहेंगे ना तो एक प्रैक्टिस बनती जाएगी आपकी और परफेक्ट बिंग आईलाइनर आपका बन जाएगा। फिर आपको टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको कुछ दिन इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आईलाइनर काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाए। सो गाइस हमारा जो बिंग आईलाइनर था वो अप्लाई हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई हो चुका है। और अगर आपको बिल्कुल भी आईलाइनर लगाना नहीं आता है ना तो आप टेप की हेल्प से बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, धीरे धीरे आप विदाउट टेप के भी आईलाइनर लगाना सीख जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। एंड मिलते हैं मैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।